तो वही कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हेडफोन ईयरफोन जो भी हो बस अकेले में देखना है। एंड सेकंड थिंग, इस वीडियो में जितने भी मीम्स यूज़ हो रही हैं उनका क्या रीज़न है वो आपको वीडियो के पूरा एंड में पता चलेगा। तो भाई देखो, इस वाले गेम प्ले में क्या होता है, हम डेली की तरह गेम प्ले खेल रहे थे। स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुना कि एक बंदे ने मेरे को क्या बोला, आईपैड कुछ बोला था। पहली बात तो उसे ये नहीं पता कि मैं आईपैड पे खेलता हूँ या मोबाइल पे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ज़रा मतलब ध्यान में रखना। अब उसके बाद में देखिए, हम इस वाली बिल्डिंग में कूदते हैं और ये जो टीम हमें मतलब धमकी दे रही थी या गाली दे रही थी, हमें सबसे पहली टीम वही मिल जाती है। अब जैसे मैं इस वाली बिल्डिंग में आता हूँ, सबसे पहले मैं नीचे कूदता हूँ। ऊपर तो कोई गन थी नहीं, मगर नीचे भाई इस वाले कमरे में मेरे को दो M762 मिल गई। फिलहाल मैंने देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, सीधा ये गन लेके अब मैं यहाँ पर इस वाले स्क्वाड पे रश करने वाला हूँ। अभी तक मुझे नहीं पता कि ये कौन सी स्क्वाड है कौन सी नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता चलता है ये आपको ही पता चल जाएगा। मैं जैसे यहाँ आया, अब बंदे भाई साहब भाग रहे थे इधर उधर। अब देखो मैंने यहाँ से इस बंदे को डैमेज दिया, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तभी भाई मेरे पास मेरे आगे है भाई मुझे पता चल गया कि ये वही बंदे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ मेरे को सही से याद थी और इनकी गालियां तो मेरे को बहुत ही अच्छे से। फिलहाल अब देखो मैं यहाँ पर एक रोटेशन लेता हूँ और इनमें से एक बंदा ना शायद ऊपर था, ये चेक करने के लिए मैं ऊपर आता हूँ। भाई इतनी देर में देखो बीटी अकेला घिर गया। अब भाई बीटी पता नहीं कैसे बचेगा। फिलहाल मैं ऊपर था, मैंने बीटी को बोला कि जल्दी से यहाँ से निकले, लेकिन भाई बहुत देर हो गई। अब देखो इन्होंने B2 को यहाँ पे नॉक करके फिनिश कर दिया और इसके बाद ना मेरे को ऑल पे आवाज़ भी आ रही थी कि ये वही है, ये BT है, इसको मारो मारो। अब बंदूकबाज बचा है। अब देखो इसके बाद भी मैं अकेला बंदा हूँ और ये चार लोग हैं। फिलहाल अभी तक ये मेरे पे रश नहीं करने वाले हैं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर एक हेलमेट ढूंढ रहा था, क्योंकि हेलमेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर ये मान लो कोई नॉर्मल गन भी होगी ना, तो बिना हेलमेट के आप बहुत ही ईजी मारे जाओगे। फिलहाल मैं पीछे आया तो मेरे को देखो यहाँ पर ना शायद लेवर उनका हेलमेट मिल जाता है। और सही बताओ ना, इस समय मेरे को ग्रेनेड की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं कहीं भी ग्रेनेड तो छोड़ ही नहीं रहा था। अब देखो मेरे को ग्रेनेड वगैरह मिल चुके थे, हेलमेट भी था मेरे पास, तो मौका अच्छा था कि इन पे रश कर सकूं। फिलहाल अब देखो मैं ना पूरा घूम के, अब ये पूरे चार लोग जिंदा हैं और ऊपर से मैं टारगेटेड भी हूं, तो भाई देखो जाके मुंह पे तो घुस नहीं सकता हूं, इसलिए मैं सबसे पहले यहां आया और मैं बस इनको कंफ्यूज करके बस मारना चाह रहा था। अब जैसे मैं यहां पर आता हूं, बस मैं यहाँ पर आके बैठा ही था कि इतनी देर में यहाँ पे एक बंदा निकलता है। जैसे इसे नॉक किया, दो बंदे नॉक हो गए। अब इनके केवल दो बंदे और बचे। फिलहाल मैं गन को रिलोड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तीसरा बंदा और ये है चौथा बंदा। तीसरा बंदे के पास शॉटगन ही थी भाई साहब, इसलिए वो पीछे भाग जाता है। अब यहाँ पर सही बताऊँ ना, मेरी भी हेल्थ कम है, इसलिए एक समझदार आदमी को हमेशा बस टाइम देख के और सब कुछ परख के ना तभी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे को तभी आवाज़ आई कि इधर पे कोई कूदा है और इधर मैंने एक बंदे को नॉक भी किया था, तो मेरा शक बढ़ गया कि हाँ शायद कोई इसे रिवाइव दे रहा है। एंड अब देखो, जग में सब कहेंगे मर गया मादर लाला। अब देखो इनके दो बंदे को तो मैंने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया। फिलहाल दो बंदे और बचे हैं, अब उनको भी मारते हैं। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ देखो, अब सही बताऊँ ना मेरे पास यहाँ फर्स्ट एड थी ही नहीं। मैंने गैंड की पिन खींची, मेरे को लगा शायद ये लोग मेरे पे रश कर रहे हैं। और मानो चाहे मत मानो यार, ग्रैंड फेंकने से ना ये लोग थोड़े और डर गए। अब मैं यहाँ आया लूटने के लिए, भाई यहाँ के तो मेरे और लग गए, मतलब इन बंदों के पास भी कुछ नहीं था। सही बताओ ना, अगर इन बंदों को पता होता ना कि मेरी HP 1 है, मतलब 1 HP है, तो ये ज़रूर रश कर देते। फिलहाल मैं पीछे आया, जो भी बैंडेज भाई इकट्ठी करके लाया था उनको चिपकाना मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब तुम यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि अभी यहाँ पर क्या ट्विस्ट आने वाला है। एक्चुअल में यहाँ पर एक दो स्क्वाड नहीं थी जो कि भाई गाली वगैरह दे रही थी, जिसने भी धमकी दी थी भाई साहब, आई थिंक ना कम से कम दो तीन स्क्वाड थी। यहाँ पर मैंने एक और ग्रेनेड किया मगर ये भी खाली गया। अब देखो, अब समझ नहीं आ रहा था कि किधर से घुसूँ कैसे घुसूँ, क्योंकि ये बंदे अब कहीं भी हो सकते हैं बिल्डिंग में, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ एंड साउंड लेते रहता हूँ। तो मेरे को पता चलता है कि ये बंदे इधर की तरफ है और इनके बात करने की आवाज़ तो मेरे को आ रही थी। अब मुझे पता है कि इनका माइक ऑल पे इसलिए था कि जैसे ही मेरे को मारेंगे ताकि मेरे को गाली और दे सकें, पर मैंने भाई आज ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए इनसे तो नहीं मरूंगा।
अब देखो यहाँ पर भाई क्या होता है, जैसे मैं इस कमरे में था तब यहाँ पर एक और टीम आ जाती है। अब तुम ये बताओ यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो जब आपको पता है कि आप दो टीम्स के बीच में अकेले गिरे हो। अब यहाँ मैंने एग्जैक्टली वही किया जो एक समझदार आदमी को करना चाहिए, थोड़ी देर इंतजार करा सही समय का। अब मैं सोच रहा था कैसे भी करके एक दो बंदे को अगर लड़का दूं तो शायद आगे कुछ हो सकता है। अगर आप लोगों को फुट का साउंड आ रहा होगा ना तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है अभी यहां पर। फिलहाल एक बंदा छत पे। अब बस मैं यही सोच रहा था कैसे भी करके कोई ना कोई तो मेरे पे रश कर जाए। एंड फाइनली देखो अब क्या हुआ, डैमेज है पूरा, पता नहीं 1% बचा हुआ है। साला किधर है ये बंदूकबाज? मैं सही बताऊँ ना, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर शायद इन लोगों ने ना टीम अप कर लिया, ये उसको सारी बातें बता रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एंड फाइनली भाई मैंने इस बंदे पे फायर किया और ये बंदा नॉक भी नहीं हुआ। फिलहाल मैं एक्सपोज हूँ, अब मेरे को यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ से भागा, ये मान लो मेरी जो जान है मेरी हथेली पे रखी है। एंड अब देखो भाई सब पड़ी, मैंने ग्रैंड की एक यहाँ पर पिन खींच के यहीं पर फेंक दिया ताकि अगर ये लोग आगे बढ़े तो हल्का सा पीछे रुक जाएं। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पर आया क्योंकि ये बंदे सारे छत पे थे, इसलिए मैं इधर पे बैठता हूँ एंड एंगल लेने की कोशिश करता हूँ। और यार यहाँ पर ना तुम मेरे पास गन देखो, दोनों M762, मैं क्या ही मिड रेंज का स्प्रे दूंगा, और अगर बंदा बच भी जाता है ना तो बस बंदे गिने आप लोगों ने। भाई तीन बंदे उस छत पे भाग रहे हैं, मतलब अगर मैं एक को नॉक कर भी देता हूँ ना तो दूसरा मेरे को जरूर मार देगा और रिवाइव भी नहीं दे पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात ना कि मैं एक्सपोज भी हो जाऊंगा। एंड अब देखो यहाँ पर वो वाली टीम जो बची हुई है उसके साथ में क्या होता है। भाई साहब ये चारों इम्पोस्टर थे, शायद चार थे कि तीन थे, इन्होंने उन दोनों को पेल दिया। मतलब अब एक टीम तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है जो कि गाली दे रही थी, इतना तो मेरे को पता है कि हाँ गाली देने वाले बंदे वही थे। फिलहाल अब देखो यहाँ पर और बंदे बचे। अब मैंने यहाँ पर मारने की कोशिश तो करी लेकिन M762 मतलब रिकॉयल और एक्यूरेसी इतनी दूर की रेंज में थोड़ा सा यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिलहाल। अब देखो यहाँ पर मैं एक मेरे को मतलब जब पता चला ना कि यहाँ पर ये दो बंदे बैठे हुए तो मैं एक ग्रैंड की पिन खींचता हूँ, और यकीन मानिए भाई उन्होंने भी एक ग्रैंड की पिन खींच दी। जैसे मैंने ग्रैंड फेंका एंड ये बंदा नॉक हुआ। अब जैसे ही बंदा नॉक हुआ ना तो मैं सोचा कि साउंडली छत पे जाऊं, लेकिन भाई पता नहीं क्या गिलिच हुआ यहाँ पर, मैं अटक गया हवा में, इसलिए मैंने तुरंत फैसला लिया कि मैं पीछे कूद जाऊंगा। एंड कूद के फिर से उसी जगह पर, देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि आप कितना कंफ्यूज कर सकते हो किसी भी टीम को। अब इतने में ही ऑल पे क्या चल रहा है कि भाई भानु उन लोगों से बात कर रहा होता है, और भाई वो बंदे भानु को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उसके बाद मैंने भानु को बस एक ही बात बोली, मैंने भानु छोड़ यार ये 10-12 साल के बच्चे हैं, इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। फिलहाल ये बंदा ओपन में आया, नॉक किया, तुरंत कंप्लीट। अब पता नहीं शायद इस स्कॉट के अब या तो तीन बंदे होंगे या कम से कम दो होंगे, जहाँ तक है ना मैंने उस समय छत पे तीन बंदों को स्पॉट किया था, और अगर एक आध बंदा कहीं इधर उधर होगा ना तो हो सकता है कि चार हों। अब देखो यहाँ पर मैंने इनके एक बंदे को फिनिश कर दिया। अब उसके बाद मैं वापस इधर की तरफ ही आके टीपी भी लेता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि एक बंदा ना शायद छत पे आ रहा है, मेरे को हल्के से फुटों का साउंड आता है, तो मैं ग्रैंड के पिन खींचता हूँ, लेकिन यार ये ना बस हल्का सा लेट हो गया, शायद थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया। मेरे को लगा शायद लेट विट होता एक मॉली और फेंक देता हूँ, लेकिन मॉली भी बहुत ज़्यादा आगे चलेगी। लेकिन जैसे मेरे को पता चला कि अगर ये बंदा लेट भी होगा ना तो ये वहीं प्रोन हो गया होगा, पीछे तो नहीं भागा होगा, इसलिए अब यहाँ पर मैंने देखो क्या ही आई को लगाया, मैं इस वाली छत पर आया एंड यहाँ पर देखो ये बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। अब एक बंदे को तो नॉक किया लेकिन तभी दूसरा बंदा दिख गया। अब देखो यहाँ पर मेरी हेल्थ डाउन है, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना वो बंदा ओपन में ही है और खड़ा होकर तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर खड़ा होकर जाएगा तो उसे पता है कि मैं उसको भर दूंगा, इसलिए यहाँ पर वो लेटा ही रहता है। और मैं देखो सबसे पहले बैंडेज लगाता हूँ, अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और भाग के एक साथ प्रोन हो जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ बंदा वहीं पर है। एंड अब देखो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अब देखो इन वाले बंदों को तो मैंने यहाँ मार दिया, लेकिन आप लोगों को भी एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, कोई स्पॉन्सर नहीं है मतलब। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ आगे फाइट लेने के लिए, और मैं
मतलब आगे मर जाता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ लेकिन क्या होता है वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अब उसके बाद में ये बंदे ऑल पे बैठे थे और भाई ये ना गंदी गंदी गाली दे के मेरे को कह रहे कि अब आ तू ऑल पे आगे बात कर। मैंने बोला यार क्या बात करूँ मैं तुमसे, मतलब तुम्हारे यार मतलब तमीज़ तो है नहीं इन लोगों को बात करने की, तो मैं क्या ही ऑल पे जाऊँ। फिलहाल मैं देखो यहाँ आया था, अब मैं कैसे मारा था कि नहीं मारा था मतलब सब पता चलेगा। तो मैं यहाँ आया और यहाँ जैसे ही आता ना तो मेरे को कुछ बंदे फायर करके बुलाते हैं। अब मैं देखो इतना प्यार से गया लेकिन इन बंदों ने भाई देखो मारा ही नहीं मेरे को। तो मेरे को पता चला कि हाँ ये तीन चार बंदे हैं जो कि इधर स्कूल की तरफ हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रुका और भाई भाग के अंदर घुसा। अब यार अब तक भी तुम लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब तक जो है ना भानु भाई लगा हुआ था, मतलब पता नहीं क्यों लगा हुआ था। भानु उनको समझा रहा था कि यार मतलब तुम कितने छोटे हो, ऐसी गाली वगैरह मत दो। लेकिन भाई वो बंदे ना ये मान लो वो छोटे छोटे बच्चे थे भाई 12 साल के, मेरे को साउंड आ रहा था ना जब उनका, तो भाई गाली पे गाली दिए जा रहे थे। अब यार ये सुन के ना बस एक ही चीज़ हो रही थी और वो हो रहा था कि मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब, क्योंकि मेरे को ना ये बात ठीक लग नहीं रही थी। फिलहाल अब देखो ये वाले जो बंदे यहाँ पर ये गाड़ी लेके जाने लगते हैं क्योंकि शायद जोन आ रहा था और इन लोगों ने मेरी बग्गी के टायर भी फोड़ दिए थे। तो मैं बंदों को स्पॉट करता हूँ, देखता हूँ वो गाड़ी की तरफ जाते हैं। तो मैंने सोचा जैसे ये गाड़ी से जाएंगे तो शायद मैं इनको गाड़ी से गिरा सकता हूँ। एंड अब देखो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले यहाँ से मैंने वॉल क्रॉस की ताकि वो मेरे को देख ना पाए। एंड इतने में देखो जोन आ गया और मैं तो इधर की तरफ रोटेशन लेता हूँ लेकिन उनमें से एक बंदा ना जो गाड़ी में नहीं चढ़ा था वो भाई साहब देखो उसने मेरे पीछे एक रोटेशन दे दिया। वो देखो आपको दिखा होगा, अब पहले तो मैं इसे देखता हूँ एंड देखो अब कैसे नॉक करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बंदा आपको दिख रहा था जब स्कोप नहीं खुला था। लेकिन स्कोप खोलने पे हम अगर घास में एडजस्ट करेंगे भी तो और बाकी का डैमेज इधर से मतलब उछलेगा उधर भी बंदा हो सकता है। अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया मैंने तुरंत भाई एक रोटेशन दिया कि घूम के इधर जाता हूँ, शायद बंदे रिवाइव वगैरह दे रहे होंगे। लेकिन इतनी देर में ना ये यहाँ से निकल लेते हैं। अब तक देखो क्या हो चुका था, अब तक भी ब्यूटी लगा हुआ था, मेरा हो चुका था दिमाग खराब, ऊपर से फिर मन कर नहीं रहा था गेम खेलने का। भाई साहब मैंने देखा कि बग्गी का टायर। अब इसके बाद ना मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ वरना मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता जो उस बंदे ने मेरे को एग्जैक्टली वर्ड्स कहे थे ना गेम खत्म होने के बाद में, मतलब मेरे को कितना ही गुस्सा आया। इसलिए भाई मैं यहाँ पर ये गेम को ना बस एग्जिट कर देता हूँ, पूरा सामान वगैरह गिराता हूँ मैं इसलिए ताकि उन लोगों को ये भी लगे कि मेरे पास हेल्थ नहीं थी इसलिए मर गया, क्योंकि मेरे पास हेल्थ वगैरह सब थी लेकिन बस आगे खेलना ही नहीं चाहता। मतलब यार ऐसे लोग ना बस आके बस दिमाग ही खराब कर सकते हैं और यार ये इतने छोटे बच्चे आगे जाके पता नहीं क्या ही करेंगे। वेल अगर आपको ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो अच्छा मैसेज लगा हो तो इसको शेयर भी करना। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जाइक कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलता हूँ मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।